अच्छा बोलिए, इसका डोमेन क्या है, रेंज क्या है? बोलिए, लॉग हाफ एक्स जो है, ए का जो वैल्यू 0 to 1 के बीच में जो है, लॉग हाफ एक्स बेस ए का क्या डोमेन रेंज क्या बोलिए? ए का वैल्यू 0 से 1 के बीच में, इसका ग्राफ बच्चों कैसे होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। डोमेन रेंज बोले इसका क्या होता है? बच्चे बोलिए इसका ग्राफ देखिए, ग्राफ देख के बोलिए डोमेन कितना, रेंज कितना, जितना एक्स का यूज होता है डोमेन होता है, जितना वाई का यूज होता है रेंज होता है। तो डोमेन बोलिए 0 to 1 आएगा। ओके, 0 इंक्लूड नहीं है इसलिए ओपन ब्रैकेट है, और सॉरी 0 to ∞ आएगा बच्चों, एक्स का जितना यूज है 0 to ∞ आएगा। ओके, रेंज कितना देखिए, -∞ से +∞ इसको रियल नंबर बोलते हैं। ओके ओके, ये 0 to ∞ बच्चों। अगेन लॉग 10 बेस एक्स का ग्राफ बोलिए, इसका डोमेन क्या है, रेंज क्या है? लॉग 10 बेस एक्स का जिसका सेम थिंग है, लेकिन ये ऐसा जाएगा। ये ग्राफ तभी आता है जब ए का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, वाई का लॉग 10 एक्स ग्राफ ऐसा ही होगा, वाई का लॉग बेस ई एक्स इसका ग्राफ ऐसा ही आएगा, जितना एक्स का यूज है वही 0 to ∞। डोमेन है रेंज -∞ से +∞, दैट इज आर रेंज। ये भी सेम थिंग है। ओके, ये फ्रैक्शनल फंक्शन है, डोमेन कितना रेंज कितना, लास्ट क्लास पढ़ाया गया था, बोलिए आप खुद बोलिए। डोमेन आ रहे और आउटपुट इसका बोलिए, फ्रैक्शनल फंक्शन रेंज कितना बोलिए, कौन बोलेगा? फ्रैक्शनल फंक्शन का ग्राफ कल पढ़ा गया था, रेंज बोलिए। अरे बच्चों बोलिए, अरे फ्रैक्शनल का फंक्शन लास्ट क्लास पढ़ाया था, बोलते नहीं बच्चे लोग, साइलेंस रुक गए हो। फ्रैक्शनल फंक्शन का डोमेन आ रहा है, रेंज बोलिए, कितना वाई का यूज है, श्वेता बोलो। अरे बोलो बच्चे लोग, अभिषेक बोल सकते हो, नैना, चिन्मय बोलो, फ्रैक्शनल फंक्शन का क्या रेंज है, कल पढ़ाया गया था भाई? 0 to 1। ओके 0 to 1। ओके वेरी गुड। ओके, ये 0 to 1 कल पढ़ाया गया था फ्रैक्शनल फंक्शन में, वीडियो भेज दूंगा पढ़ लीजिए। लेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डोमेन क्या है, रेंज क्या बोली पढ़ाया गया था, उसका पहला ये में पढ़ाया गया था। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलिए क्या डोमेन क्या रेंज कितना, डोमेन रियल नंबर है, रेंज बोलिए, इसका आउटपुट क्या आता है बोलिए? सर इंटीजर। इंटीजर जेड, वेरी गुड। ये कौन सा फंक्शन बोलेगा, कौन बोलेगा ये कौन सा फंक्शन है? सिग्नम फंक्शन है। ओके, सिग्नम फंक्शन डोमेन आ रहे, रेंज बोलिए, ये सिग्नम फंक्शन है, डोमेन आ रहे, रेंज बोलिए। 0 1 -1 नहीं, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, आपका सही बात बोल रहे, आप किसका तीन ही आउटपुट है, 0 आता है जब x इक्वल 0, अगर ग्रेटर देन 1 में ये 1 आता है और -1। ओके, ये सिग्नम फंक्शन। ओके, और फंक्शन है पढ़ा गया, आप लोग फंक्शन पढ़ लीजिए जो पढ़ा जा रहा है। ओके, आज पढ़ाते हैं बच्चे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखिए, यहाँ पर देखिए एफ एक्स इक्वल टू द्वारा
ऐसा है कि इसका मैपिंग रियल नंबर टू रियल नंबर होता है, और एफ एक्स इक्वल ए टू दर एक्स, लेकिन कंडीशन है कि तुम्हारा ए का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होना है, सेकेंड बात है। ओके, ए का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो क्यों? अगर यह माइनस टू रहेगा, ओके माइनस टू रहेगा, और एक्स का वैल्यू अगर हाफ हो जाएगा तो मीन्स ये माइनस टू का रूट जो हो जाएगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, इसलिए ए ग्रेटर देन जीरो होना है। ओके, सेकेंड बात है, यहाँ पर एक्स नॉट इक्वल टू ए नॉट इक्वल टू वन होना है। ओके, कि अगर ये वन है, एक्स का वैल्यू इन्फाइनाइट भी आता है, वन का पार इन्फाइनाइट नॉट डिफाइंड होता है। ओके, वन का पार इन्फाइनाइट नॉट डिफाइंड होता है, तो एक्स का वैल्यू इन्फाइनाइट भी होता है। हम करेंगे ग्राफ इस पे जब करेंगे, रियल नंबर है तो डोमेन रियल नंबर मीन्स माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो वन का पार इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड, इसलिए ए का नॉट इक्वल वन होना है। इसका भी दो ग्राफ है बच्चों। ओके, एक है ग्राफ जो जीरो से वन के बीच में, और एक ग्राफ है, ओके एक एक ग्राफ पे जीरो से वन के बीच, और एक ग्राफ है गड़दर वन के बीच में। ओके, गड़दर वन मीन्स तुम्हारा सपोज एफ एक्स इक्वल टू, गड़दर वन मीन्स एफ एक्स इक्वल टू, हम एक तो टेबल करके बनाएंगे बच्चों। एफ एक्स इक्वल सपोज आपका टू टू दर एक्स हो, या थ्री टू दर एक्स हो, या टेन टू दर एक्स हो, एफ एक्स इक्वल टू, या तुम्हारा ई टू दर एक्स हो, ई का वैल्यू में बोला था पर ये नियर टू 2.7 समथिंग होता है, ये अप्रोक्सीमेटली होता है। ओके, ये अप्रोक्सीमेटली होता है, ई फोर एक्सपोनेंट होता है, अप्रोक्सीमेटली 2.7 ये इरेशनल नंबर है। ओके, तो मीन्स ये ग्रेटर देन वन है। इसका ग्राफ अगर बच्चे बनाओगे ए टू दर एक्स है, तो ग्राफ हम बनाएंगे टेबल बना के इसका। ओके, फिलहाल उसका ये देख लीजिए, ए टू दर एक्स जहाँ ए ग्रेटर देन वन है, इसका ग्राफ अगर बनाते हो एक्स और एक्स डैश, टेबल बना के बनाएंगे बच्चों, वाई और वाई डैश। देन बच्चों ये इसका ग्राफ ऐसा आएगा आपका, ऐसा इंक्रीजिंग है, और ये आपका जीरो वन में जाएगा, ये ए टू ये ऐसा बच्चों जाएगा। ओके, ठीक है, ये y इक्वल टू ई टू दर एक्स का ग्राफ बोलिए, y इक्वल टू टू दर एक्स का ग्राफ बोलिए, y इक्वल टू टू दर एक्स का जिसका भी ग्राफ ये, लेकिन a ग्रेटर देन वन हो, इन लोग का ग्राफ सभी है, इन लोग का सभी का ग्राफ बच्चों इसी तरह आएगा, इन लोग का सभी का ग्राफ जहां पर a ग्रेटर देन वन है सभी का ग्राफ ऐसा आएगा। y इक्वल टू टू दर एक्स बोलिए। ओके, थोड़ा बच्चों रुकिए, y इक्वल टू टू दर एक्स तो बोलिए, जो भी बोलिए, या फाइव टू दर एक्स का सभी का ग्राफ बच्चों ऐसे देखा जाएगा, ये फाइव टू दर एक्स का बोलिए, सभी का ग्राफ ऐसे जाएगा। और एक ग्राफ इसका जीरो टू ए है। ओके, सर बनाएंगे एक ग्राफ उसका, सपोज आपका हाफ का पार एक्स हो। ओके, ये हाफ का पार एक्स हो, वाई इक्वल टू, और वाई इक्वल टू उसको ऐसे ही बोलते हैं, टू टू दर माइनस एक्स भी बोलते हैं। ओके, या थ्री बाई फोर का पर एक्स हो, जो क्या ए का वैल्यू जीरो और वन के बीच में रहता है, इसे डेसिमल करोगे, डेसिमल करोगे जीरो और वन के बीच में रहता है, इनका ग्राफ बच्चों ऐसा होता है, इन लोग का ग्राफ बच्चों ऐसा बनता है, ये तुम्हारा जाएगा जीरो वन में ही जाएगा, लेकिन ये डिक्रीजिंग होके जाएगा, ऐसा आएगा। ओके, ऐसा जाएगा ये और ये दोनों का, लेकिन डोमेन रेंज एक ही रहेगा, डोमेन जितना एक्स का यूज है, एक्स का माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी यूज है, तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन एक्सपोनेंशियल का क्या होता है? रियल नंबर। हाँ, माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी जितना एक्स का यूज है रियल नंबर। रेंज ऑफ द बोलिए, रेंज ऑफ द फंक्शन कितना आएगा बोलिए? जीरो वन नहीं, ये आपका जीरो से इंफाइनाइट तक जाएगा, जितना वाई का यूज होता है आपका
ये पूरा यहाँ से जीरो से लेकर नॉट इंक्लूड, लेकिन जीरो इंक्लूड नहीं है, जीरो से लेकर पूरा इन्फाइनाइट तक जाएगा, जितना वाई का यूज होता है रेंज होता है, ये जीरो टू कितना इन्फाइनाइट तक जाएगा, ये आपका रेंज आएगा। ओके ठीक है बच्चों। अच्छा ये जीरो टू इन्फाइनाइट इन्फिनिट का सिंबल थोड़ा गलत हो जा रहा है। ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक तो ग्राफ बनाते हैं बच्चों। ओके एक ग्राफ बनाते हैं, इसका बनाते हैं पहले ये वाला ग्राफ बनाते हैं, सपोज वाई इक्वल टू 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 द एक्स टेबल बना के बनाते हैं, वाई इक्वल टू टू द एक्स वो टेबल बनाइए, वाई इक्वल टू 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 द एक्स टेबल बनाइए। टेबल बना के ग्राफ बनाइए इसका, और एक तो दो ग्राफ बनाएंगे इसका, यदि तुम्हारा एक्स है और ये एफ एक्स है, एफ एक्स को वाई बोलते हैं, एफ एक्स को मतलब वाई लिख सकते हैं, y का f x है। अच्छा x का वैल्यू जीरो डालिए कितना आएगा, अरे x का वैल्यू जीरो डालिए कितना आएगा सर, 1। x का वैल्यू 1 डालिए कितना आएगा 2, x का वैल्यू 2 डालिए कितना आएगा 4, x का वैल्यू 1/2 डालिए, और यू कैन से एक्स का वैल्यू माइनस वन डालिए, टू का पावर माइनस वन कितना होता है बच्चों 1/2, एक्स का वैल्यू माइनस टू डालिए, टू का पावर बच्चों माइनस टू कितना होता है, टू का पावर माइनस टू होता है 1/2 का पावर 2 होता है, दैट इज 1/4 आएगा बच्चों। अब इसको देख के टेबल बनाइए बच्चों, टू का पावर माइनस टू जो है 1/2 का स्क्वायर होता है, इसको देख के टेबल, ये टेबल देख के ग्राफ बनाइए। ये तुम्हारा x, ये डैश, ये डैश है, थोड़ा लिखना दिक्कत हो रहा है, ये y और क्या y डैश। अच्छा बोलिए x का 0 तो y का कितना आया, एक्स का जीरो तो वाई का वन आया, एक्स का वन तो वाई का कितना आया, एक्स का वन तो वाई का कितना आया टू आया, एक्स का टू तो वाई का कितना आया वाई का फोर आया। ओके एक्स का टू तो वाई का फोर, एक्स का माइनस वन तो कितना आया एक्स का माइनस वन, ग्राफ में सब कुछ याद रखा जाता है, x का माइनस वन तो ये हाफ आया, x का माइनस टू कितना आता है 1/4 आया, वो चैसा है उसका ग्राफ चल रहा है। ये किसका ग्राफ था, और ये किसका ग्राफ था, y इक्वल टू 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 x का ग्राफ था, y इक्वल टू टू x का ग्राफ, y इक्वल टू टेन टू x का ग्राफ, सभी से चले गए, y इक्वल टू टू x का ग्राफ सभी से, और एक तो करते हैं इस टाइप का, ये हाफ एक सौ 1/3 x जो भी तो करते हैं, इसका ग्राफ बच्चे से डिक्रीजिंग आएगा, और ये टू टू दर माइनस एक्स भी बोल सकते हैं। ओके इसका टेबल बना के बनाते हैं, वाई इक्वल टू 1/2 x। ये देखिए इसका टेबल देखिए, ये तुम्हारा x और ये y, और एफ एक्स बोल सकते y, x का जीरो डालिए हाफ का जीरो वन होता है, वन डालिए 1/2 होता है, टू डालिए 1/4 दैट इज 0.25 होता है, माइनस वन डालिए हाफ का पावर माइनस वन, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा टू आएगा, टू का पावर वन हो जाएगा,
रेसिप्रोकल होके एक बार प्लस वन हो जाएगा, मतलब टू आता है, माइनस टू डाली आपका पावर माइनस टू, ये रेसिप्रोकल होकर टू का स्क्वायर हो जाएगा, ये ऐसे रेसिप्रोकल होने से माइनस टू प्लस टू हो जाएगा, फोर आएगा। इसे ग्राफ बनाते हैं बच्चों, देखिए एक्स और क्या एक डैश है, और ये आपका वाई है और क्या वाई डैश है, ठीक है। ये एक्स और एक डैश है, वाई और वाई डैश है, ठीक है। देन देखो बच्चों, ये आपका ग्राफ बनाते हैं, एक्स का जीरो वाई का वन, एक्स का वन तो वाई का हाफ, एक्स का वन तो वाई का हाफ, एक्स का वन तो वाई का हाफ, एक्स का टू तो वाई का फोर, वन बाई फोर, ओके। और तुम्हारा एक्स का माइनस वन तो वाई का टू, एक्स का माइनस वन तो वाई का टू, एक्स का माइनस टू तो वाई का माइनस फोर, इनसे ग्राफ आपका ऐसे आएगा। ये डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग जो लेफ्ट टू राइट जाके देखोगे डिक्रीजिंग से चलता जाए। ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू हाफ का पावर x, जितना सभी a का वैल्यू जीरो टू वन है, a का वैल्यू जीरो टू वन है, वो सभी का ग्राफ ऐसा आएगा। उसको ऐसा भी कह सकते हो, इसको y का और हाफ का x का ग्राफ को ऐसे भी कह सकते, टू का पावर माइनस x भी कह सकते, ठीक है। y इक्वल टू टू का और माइनस x का ग्राफ भी वही है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बच्चों, बहुत सारा फंक्शन है, साइन x का बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन थोड़ा बोलते हैं, उसके बाद चलते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन रेंज थोड़ा देखिए, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन थोड़ा स्पेलिंग गलत हो गया, सभी गलत हो गया, सब एक नया चीज जाते। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बस कल से बच्चे सुबह आठ सर पढ़ा जाएगा, डोमेन रेंज चार सौ ही थोड़ा बोल देते रहे, ओके। कल से आठ सर पढ़ा जाएगा बच्चे, पहले एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स द्वारा देखो, आठ सर का हर प्रॉब्लम किया जाएगा, ओके। एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, साइन एक्स का क्या आएगा, डोमेन क्या आएगा, रेंज कितना आएगा, ओके। देखिए एफ एक्स इक्वल साइन एक्स ऑलरेडी तुम पढ़े थे, कुछ बच्चों को पढ़ा गया ट्रिगोनोमेट्रिक, कुछ बच्चों को नहीं पढ़ा गया, एक्स और क्या एक डैश, ये वाई और क्या वाई डैश, ओके। तो बच्चों ये साइन जीरो डिग्री बच्चों जीरो होता है, साइन जीरो डिग्री जीरो, साइन नाइन्टी वन होता है बच्चों, पाई बाई टू को नाइन्टी कहते हैं, वन एटी बाई टू, तुम फिलहाल कुछ बच्चे जानते नहीं है, साइन नाइन्टी वन होता है, साइन थर्टी बच्चों वन बाय टू होता है, साइन थर्टी बच्चों वन बाय टू हाफ आता है, साइन जीरो डिग्री जीरो, साइन थर्टी वन बाय टू, साइन सिक्सटी रूट थ्री बाय टू, रूट थ्री बाय टू, रूट थ्री बाय टू दैट इज पॉइंट एट होता है, साइन सिक्सटी रूट थ्री बाय टू, रूट थ्री बाय टू को डिसिमल करोगे पॉइंट एट आएगा, साइन नाइन्टी वन आएगा, ओके। उस तरह बच्चों साइन वन एटी ये तुम्हारा जीरो होगा, साइन वन एटी जीरो आएगा, अगेन साइन टू सेवेंटी ये माइनस वन आएगा बच्चों, साइन टू सेवेंटी माइनस वन आएगा,
अगर कोई पूछता है साइन 270 से ड्राप करके बंद बोल दोगे, साइन 00 साइन 91 होता है, साइन 91 होता है या साइन 91 होता है, साइन 180 होता है बच्चों, साइन 270 माइनस 1 होता है। कोई पूछता है साइन 270 से ग्राफ करके बोल सकते हो। कोई पूछता है साइन 360 कितना होता है, साइन 360 जीरो होता है। तुम पढ़ोगे बच्चों साइन एन पाई, ओके साइन एन पाई जीरो होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन कुछ बच्चे पढ़े हैं, ओके साइन एन पाई जीरो होता है। तो बोलूंगा इसके बारे में कुछ नया बच्चे जो कि पढ़े नहीं है ट्रिगोनोमेट्रिक। ओके अच्छा नेक्स्ट बच्चों, ये 360 बार फिर से ये चलता है 180, 270, 360, ओके नेक्स्ट चलता है उसके 360 प्लस 90 कितना होता है बोलिए, 360 प्लस 90 कितना, 450, ये आपका फिर से 1 होता है। ओके अगेन ये द्वारा 450 प्लस 90 कितना बोलिए, 450 प्लस 90 ये 0, अगेन 540, ये फिर से ये बच्चों ऐसे आता है, ये 0 फिर से बनता है, ये इस तरह वैसे गया फिर इस तरह भी ये जाता है, ऐसे ये चलता जाएगा, वैसे ऐसे चलता जाता है। ओके तो यहाँ पर भी सेम थिंग है, साइन एक्स ये साइन माइनस 90 ये माइनस 1 होता है, अगेन ये साइन द्वारा माइनस 180 डिग्री, माइनस 180 डिग्री जीरो होता है, ये माइनस 270 ये 1 होता है, ये चलता जाएगा बच्चों के। बच्चे साइन एक्स है, साइन एक्स का जो डोमेन है जो जिसका मिनिमम वैल्यू, साइन एक्स का मिनिमम वैल्यू, साइन एक्स का मिनिमम वैल्यू जो है ये जिसको डोमेन कहते हैं हम, डोमेन तो तुम्हारा रियल नंबर है बच्चों, रेंज रेंज में आपका है, हाँ डोमेन तुम्हारा रियल नंबर, जितना जो एक्स का यूज है वो डोमेन होता है। साइन एक्स का डोमेन जो है माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी, एक्स का पूरा यूज है, उसका रेंज जो जितना वाई का यूज होता है। साइन एक्स का रेंज कितना बोलिए, आप बोलिए खुद बोलिए कितना वाई का यूज हुआ, माइनस वन जीरो टू वन, लाइन नहीं देखिए, माइनस वन से प्लस वन, माइनस वन से प्लस वन, ओके जितना वाई का यूज है तो साइन एक्स का रेंज जो है आपका माइनस वन से प्लस वन, ओके इसीलिए बोलते हैं साइन एक्स का जो मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, मिनिमम वैल्यू क्या होता है, माइनस वन होता है। ओके साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू क्या होता है, माइनस वन होता है। ओके ये डोमेन और ये रेंज है, ठीक है, ये बच्चों साइन एक्स। और तुम्हारा साइन एक्स का जो पीरियोडिक फंक्शन आर 2π, 2π मीन्स 360 डिग्री में पीरियोडिक होता है, पीरियोडिक मीन्स सेम थिंग रिपीट करता है, जो लेंथ एक लेंथ के बाद सेम थिंग जो रिपीट करता है उसे पीरियोडिक फंक्शन हम पढ़ेंगे कमिंग संडे, पीरियोडिक फंक्शन जेईई क्लास में पढ़ेंगे, पीरियोडिक फंक्शन इवन फंक्शन और फंक्शन पढ़ेंगे, जितना लेंथ के बाद फिर से सेम थिंग रिपीट करता है, यहाँ से शुरू हुआ था यहाँ पर फिर से सेम थिंग फिर से रिपीट करेगा, तो इसका पीरियोडिक का 2π याद रखिए, पाई मीन्स 180 डिग्री होता है, पीरियोडिक का 2π, ओके मीन्स 360 डिग्री, पाई रेडियन 180 डिग्री है, पढ़ोगे जो बच्चे नहीं पढ़े हैं, तो पाई रेडियन होता है 180 डिग्री, 2 × 180, 360, पीरियोडिक का 2π बोलते हैं इसको, ओके। और ये कहाँ पर, ये इसका जीरो कहाँ पर है, ये साइन एक्स इक्वल टू ये जीरो कहाँ पर होता है, साइन एक्स एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स का कौन सा वैल्यू में जीरो होता है, एक्स इक्वल एन पाई, ये तुम्हारा ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में ये फॉर्मूला है, साइन एक्स इक्वल टू जीरो जब एक्स इक्वल एन पाई, मीन्स एक्स का एन पाई में एन बिलोंग्स टू इंटीजर, एन बिलोंग्स टू इंटीजर, ओके ये तुम्हारा एक्स का एन पाई में जीरो होता है, मीन्स ये तुम्हारा साइन पाई जीरो, पाई बने 180 डिग्री, साइन 2π 0, साइन 3π 0, ओके 180 डिग्री, साइन 4π 0, साइन माइनस पाई 0, एन का वैल्यू 1, 2, 3 ये डालोगे, इंटीजर डालोगे, माइनस 1, माइनस 2 हो गए, द्वारा एन का वैल्यू डालोगे, 0 डालिए, साइन 0 डिग्री 0, 1 डालिए, एन का वैल्यू 1 डालिए,
साइन पाई जीरो, टू डाले साइन टू पाई जीरो, थ्री डाले साइन थ्री पाई जीरो, फोर डाले, ऐसे डालते जाइए। माइनस वन डाली एन के बदले में, क्योंकि एन बिलोंग्स टू जेड, साइन माइनस एन पाई जीरो। अगर माइनस टू डाली साइन माइनस टू पाई जीरो, माइनस थ्री, माइनस फोर, ऐसे चलिए। ओके, तो साइन एन पाई में जीरो होता है इसका सभी। इफ साइन एक्स इक्वल टू जीरो देन एक्स इक्वल एन पाई। एक्स का कौन सा वैल्यू में जीरो होता है? एक्स का एन पाई में। साइन पाई जीरो, साइन टू पाई जीरो, साइन थ्री पाई जीरो, साइन माइनस पाई जीरो, साइन माइनस टू पाई जीरो। ओके, ये थोड़ा है। तो इफ साइन एक्स इक्वल जीरो देन एक्स इक्वल एन पाई, ये ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में पढ़ोगे। तो ये पीरियोडिक एट टू पाई याद रखिए। ओके, और ये तुम्हारा बच्चों ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन साइन एक्स एक ऑड फंक्शन है। ओके, ऑड फंक्शन इसलिए, ऑड फंक्शन जानने के लिए एक तो ट्रिक होता है, ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन। एफ एक्स इक्वल टू, ओके, अगर एफ एक्स इक्वल टू तुम्हारा एक्स के बदले में, ये एफ एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, एफ ऑफ माइनस एक्स डालोगे, एफ ऑफ माइनस एक्स डालोगे, अगर ये माइनस एफ एक्स आ जाता है देन ऑड फंक्शन है। ये एक्स के बदले में चेंज करोगे माइनस एक्स, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। एसटीसी रूल हमारा एक है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। जो कुछ बच्चे ट्रिगोनोमेट्री नहीं पढ़े, माइनस एफ एक्स, एक्स के बदले में माइनस एक्स रिप्लेस करोगे। अगर ये एक्स के बदले में माइनस एक्स रिप्लेस करोगे, अगर ये माइनस एफ एक्स आता है, उसे ऑड फंक्शन कहते हैं। तो ये ऑड फंक्शन है, अभी याद रखिए। ओके, ऑड फंक्शन क्या होता है ना, वो सिमेट्रिक एट ओरिजिन, मैंने ओरिजिन, ये क्वाड्रेंट ऑपोजिट क्वाड्रेंट को सिमेट्रिक होता है। ये जैसे जाता है इधर, ये जैसे इस तरफ जाता है, इस तरफ ऐसा आता है, वो सिमेट्रिक एट ओरिजिन होता है। मीन्स ये फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में वो सिमेट्रिक है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट ऑपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है ये, ठीक है। ये ऑपोजिट क्वाड्रेंट, अगर ये इस तरफ हुआ तो वो उस तरफ से सिमेट्रिक होगा, ऑपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है। फिलहाल इसे ध्यान नहीं है, ये ऑड फंक्शन है साइन एक्स, और पीरियडिक का टू पाई, और इसका डोमेन रियल नंबर है, रेंज रेंज है तुम्हारा माइनस वन से प्लस वन। साइन एक्स जो है मैक्सिमम वैल्यू वन है और मिनिमम वैल्यू माइनस वन है, ये साइन एक्स का है, ठीक है बच्चों। तो साइन एक्स का डोमेन रेंज पूछेंगे तो आप ये बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, कॉस एक्स, वाई इक्वल टू कॉस एक्स, एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, इसका डोमेन रेंज बच्चों देखिए, पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल कॉस एक्स का डोमेन क्या है, रेंज क्या है। तो क्या करेंगे, ये कॉस एक्स का ग्राफ बच्चों ऐसा आएगा, ये कॉस जीरो डिग्री वन आएगा, और कॉस जीरो डिग्री वन आता है, कॉस जीरो डिग्री, कॉस नाइन्टी जीरो होता है, कॉस नाइन्टी जीरो होता है, कॉस वन एटी जो कि पाई बोलते हैं, अगर ये नाइन्टी को पाई बाई टू बोल सकते हो, वन एटी बाई टू, कॉस जीरो डिग्री वन, कॉस नाइन्टी जीरो, कॉस वन एटी माइनस वन होता है। कोई कॉस वन एटी का वैल्यू पूछता है तो सर ड्रा कर दो, ग्राफ बना के बोल सकते हैं कॉस्ट 180 माइनस 1 है, कॉस्ट 270 जीरो होता है। ओके, अगेन ऐसे चलता जाएगा, कॉस्ट 360 ये 1 होता है। इसके बाद सेम थिंग रिपीट करेगा बच्चों, ये जैसा सेम थिंग यहां से शुरू हुआ था फिर से ये सेम थिंग रिपीट करेगा, इसलिए इसको पीरियोडिक आर 2 पाई कहते हैं, 360 डिग्री पीरियोडिक आर 2 पाई, इतना लेफ्ट में फिर से रिपीट करता है उसी को पीरियोडिक कहते हैं। ये पीरियोडिक का टू पाई बच्चों, पीरियोडिक का टू पाई में 360 डिग्री में पीरियोडिक है कॉस एक्स। ओके, फिर से यहाँ पर जाएगा 360 प्लस 90 कितना बच्चे बोले थे हम लोग, 450 ना, कितना 450 यस सर। हाँ, फिर ये 450 में फिर जीरो होगा। ओके, फिर तुम्हारा 540 में इसका माइनस वन होगा, फिर से 90 ऐड कीजिए। ओके, ऐसे चलता जाएगा बच्चों ये। ओके, तो बच्चों ये इस तरफ चला, फिर इस तरफ भी जाएगा माइनस 90, ये माइनस 90 इधर आएगा, फिर माइनस 180 बच्चों इधर ऐसे जाएगा,
ये एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स है, फिर -270, ये -270 बच्चे ऐसे जाएगा, ये आपका एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ है बच्चों। ओके तो डोमेन रेंज बोलिए, जितना एक्स का यूज होता है डोमेन, जितना वाई का यूज होता है रेंज बोलिए। ओके डोमेन बोलिए आर, डोमेन पर इसका रियल नंबर है, रेंज बोलिए जितना वाई का यूज होता है, रेंज बोलिए -1 से +1। ओके ये तुम्हारा -1 से +1 जितना वाई का यूज होता है रेंज है, ये तुम्हारा वाई है, ये y डैश और y। ओके तो इसलिए एक बार मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द cos x होता है 1, मिनिमम वैल्यू cos x का मैक्सिमम वैल्यू 1 है, मिनिमम वैल्यू -1 है, ठीक है cos x। और एक बार ऐसा एक है cos x कहाँ कहाँ 0 होता है। ओके cos x कहाँ कहाँ 0 होता है, x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, 2n प्लस 1 पाई बाई 2 में cos x 0 होता है, ये त्रिकोणमितीय इक्वेशन में पढ़ा जाएगा तुम्हें, cos x x का 2n प्लस 1 पाई बाई 2 इज 90 डिग्री 180 बाई 2, ये रेडियन मेजर है हमारा, पढ़ोगे तुम लोग का सर्कुलर मेजर जो रेडियन मेजर कहते हैं, या ऊपर में सी रहता है पाई, रेडियन पाई सर्कल जो है, ओके सी फॉर सर्कल, ये 180 डिग्री होता है। ओके तो 180 डिग्री बाई 2 90 डिग्री होता है, तो ऑड मल्टीपल ऑफ द ऑड टाइम्स ऑफ द पाई बाई 2 द्वारा ये होता है, द्वारा 0 डालिए पाई बाई 2 में cos, ओके cos कहाँ कहाँ 0 होता है पाई बाई 2 में, फिर 1 डालिए 3 पाई बाई 2 में, 3 पाई बाई 2 में सी आएगा, 3 तो पाई बाई 2 70 डिग्री, 1 तो पाई बाई 2, 2 तो पाई बाई 2, 3 तो पाई बाई 2 में cos 0 होता है, देखिए cos का वैल्यू यहाँ 0 है, 3 तो पाई बाई 2, 4 तो 5 तो पाई बाई 2 में फिर cos 0 है, 5 तो पाई बाई 2, 6 तो फिर 7 तो पाई बाई 2 में 0 है, मीन जितना ऑड नंबर ऑफ पी है पाई बाई 2 में 0 होता है cos x। ओके 1 तो पाई बाई 2, 90 मीन्स पाई बाई 2, 90 मीन्स पाई बाई 2, 180 पाई होता है पाई रेडियन, और ये 3 पाई बाई 2। ओके तो 1 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, ये द्वारा 4 पाई बाई 2 मीन्स 2 पाई है, 5 पाई बाई 2 होता है ये। ओके 6 पाई बाई 2 मीन्स 3 पाई है, 3 इंटू 180 डिग्री। ओके तो फिर माइनस पाई बाई 2, माइनस 3 पाई बाई 2, तो जितना ऑड मल्टीपल ऑफ सेम है वो cos x 0 होता है, ठीक है। ये एक तो बच्चे इवन फंक्शन है जो y x के साथ सिमेट्रिक करता है, मैं बोलता था कि ऑड फंक्शन इवन फंक्शन जानोगे कैसे, पढ़ा जाएगा इसका ऊपर भी है क्लास 12 में, बहुत सारा जेई मेन में भी आता है। ऑड फंक्शन किसे कहते हैं, एफ ऑफ एक्स है उसको मतलब माइनस एक्स डालोगे, अगर ये माइनस एफ एक्स आ जाता है ये ऑड फंक्शन है। इवन फंक्शन कैसे जानोगे, इवन फंक्शन कैसे जानोगे, इवन फंक्शन जो कैसे जानोगे, एफ एक्स एफ ऑफ ऑफ माइनस एक्स डालोगे, लेकिन ये प्लस एफ एक्स आ जाता है ये इवन फंक्शन है, एक्स के बदले माइनस एक्स डालोगे प्लस एफ एक्स आता है इवन फंक्शन है, यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स डालोगे और ये कॉस माइनस एक्स, बोलिए बच्चों जो ऑलरेडी त्रिकोणमिति पढ़ चुके हो, कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है, ओके मीन्स प्लस एफ एक्स आ गया। तो ये एक बार एफ एक्स ये कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा मीन्स ये प्लस एफ एक्स हो गया, मीन्स ये आपका कौन सा फंक्शन, इवन फंक्शन है, एफ एक्स इक्वल कॉस एक्स आपका इवन फंक्शन है, ओके एफ एक्स इक्वल कॉस एक्स एक तो इवन फंक्शन है बच्चों, क्योंकि एफ ऑफ माइनस एक्स दिए तो प्लस एफ एक्स आता है, जो एफ ऑफ माइनस एक्स देता है प्लस एफ एक्स उसे इवन फंक्शन कहते हैं, और इवन फंक्शन क्या है, सिमेट्रिक के अबाउट वाई एक्सिस, अगर इधर मिरर रख दोगे, अगर तुम यहाँ पर मिरर रखोगे सेम थिंग, इस तरफ जो रिफ्लेक्ट होगा उस तरह, सिमेट्रिक अबाउट जो इवन फंक्शन होता है वो सिमेट्रिक अबाउट तो वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में मिरर रखोगे इस तरफ जैसे जाएगा उस तरफ भी ऐसे ही जाएगा,
हाँ सिमेट्रिक के बाद दो वाई एक्सिस, आप फोल्ड करोगे वाई एक्सिस में फोल्ड करोगे तो एक का ऊपर एक ओवरलैपिंग होगा। ओके ये तुम्हारा एक आप अगर इधर फोल्ड कर दो वाई में रख के फोल्ड करोगे इस तरफ जैसा हो एक ऊपर एक ओवरलैपिंग होगा, और ये नहीं तो ऐसा इस तरफ से जैसा जाएगा उस तरफ से वैसा जाएगा, इसे इवन फंक्शन कहते हैं। ओके तो कॉस एक्स का डोमेन रियल नंबर है, रेंज माइनस वन से प्लस वन होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आ नेक्स्ट बच्चों, देखिए थोड़ा बोरिंग रहेगा आज का क्लास थोड़ा, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। एफ एक्स इक्वल टू टैन एक्स, कल से आप लोग का एडिशन पढ़ा जाएगा तभी आप लोग का इंटरेस्टिंग रहेगा। एफ एक्स इक्वल टैन एक्स डोमेन एंड रेंज, देखिए इसका बहुत बच्चे डोमेन रेंज नहीं बोल पाते हैं, टैन एक्स का डोमेन रेंज नहीं बोल पाते बहुत सारा बच्चे। ओके देखिए ये तुम्हारा टैन जीरो डिग्री जीरो, टैन जीरो डिग्री जीरो, ओके टैन थर्टी, टैन थर्टी वन बाय रूट थ्री, टैन सिक्सटी रूट थ्री, मैंने रूट थ्री मीन्स तुम्हारा क्या होता है वन पॉइंट सी एस समथिंग आएगा, टैन सिक्स हाँ टैन सिक्सटी रूट थ्री मीन 1.73 कितना आएगा 1.73 हाँ ये तुम्हारा वन होता है, रूट थ्री मीन्स वन पॉइंट कितना 1.732 ना कितना 1.732 और टैन 90, टैन 90 आपका इनफाइनाइट आता है, टैन 90 इनफाइनाइट आता है, मीन्स टैन 30 वन बाय रूट थ्री होता है, टैन 60 ये वन है, ये तुम्हारा वाई एक्सिस है, ये वाई और क्या वाई डैश। ओके ये तुम्हारा टैन ही है, इसका डोमेन बहुत बच्चे नहीं बोल पाते हैं ऐसा जाएगा बच्चों। ओके इन्फाइनाइट तक जाएगा। ओके ये 90 में टैन 90 हमारा क्या होता है बच्चों इन्फिनिटी होता है, हम पढ़े हैं टैन 90 इन्फाइनाइट होता है, टैन जीरो टैन जीरो डिग्री जीरो, टैन थर्टी वन बाय रूट थ्री, टैन सिक्सटी रूट थ्री 1.73, टैन 90 इन्फाइनाइट। ओके इसी तरह बच्चों हमारा टैन माइनस थर्टी, टैन माइनस थर्टी माइनस टैन थर्टी आता है, इस तरफ भी आएगा ये सेम आएगा, और टैन माइनस सिक्सटी, टैन माइनस थर्टी बच्चों माइनस टैन थर्टी आता है, दैट इज माइनस वन बाय रूट थ्री, टैन माइनस सिक्सटी माइनस टैन सिक्सटी आता है, एस्ट स्लू जो बच्चे पढ़े उनको समझ में आएगा। फिलहाल ये आप ये ग्राफ को याद रखिए, टैन माइनस सिक्सटी माइनस टैन सिक्सटी आता है, माइनस वन बाय रूट थ्री, ये माइनस वन होता है यहाँ पर, माइनस 1.73 आएगा, टैन माइनस 90 माइनस इनफिनिट आएगा, टैन माइनस 90 पर आपका कितना आएगा माइनस इनफिनिट आएगा। ओके ये आपका ग्राफ है किसका, ये टैन एक्स का ग्राफ है, ये फिर से यहाँ पर पाई में सेम थिंग फिर से आएगा ऐसे चलेगा, अगर ये फिर से 180 में टैन 180 और टैन पाई जीरो होता है, टैन 180 और टैन पाई में जीरो होता है, फिर सेम थिंग चलेगा, ये से जाएगा और ये से चलेगा। ओके यहाँ पर ये 270 रहता है, मीन्स 3π/2। ओके तो ये फिर से इनफाइनाइट ये से जाएगा। ओके तो टैन एक्स का ऐसा ही चलेगा बच्चों, मीन्स यहाँ पर डोमेन इसका सबसे बड़ी बात है, डोमेन ये माइनस पाई में फिर से जाएगा, ऐसे माइनस पाई में फिर से सेम थिंग जाएगा, ये ऐसा जाएगा और ये इधर जाएगा। ओके ये इसका डोमेन बच्चों देखिए क्या होता है, बहुत बच्चे इसका डोमेन नहीं बोल पाते, ये तुम्हारा माइनस 270 में माइनस 270 और माइनस 3π/2, तो इसका डोमेन क्या बोलिए कौन बोल सकता है, एफ एक्स इक्वल टू टैन एक्स का ग्राफ है सर, आर माइनस 2n+1 π/2। वेरी गुड। ओके यहाँ पर क्या ना ये पाई बाय टू 3π/2 में इसका क्या है ग्राफ नहीं है, पाई बाय टू एक्स का जो यूज होता है उसे डोमेन कहते हैं, तो बच्चों हमारा पाई बाय टू में इसका ग्राफ नहीं है, थ्री पाई बाय टू में नहीं है, फाइव पाई बाय टू नहीं है,
अगर माइनस पाई बाई टू में नहीं है, ओके माइनस पाई बाई टू में से ग्राफ नहीं है, माइनस सेवन पाई माइनस थ्री पाई बाई टू में नहीं है, मीन्स और पाई बाई टू में नहीं है, उसका डोमेन जो है ओके आस ये ऑड मल्टीपल ऑफ द पाई, टू एन प्लस वन पाई बाई टू, इसमें इसका ग्राफ नहीं है, ये उसका डोमेन होता है, और मल्टीपल पाई बाय टू में नहीं है, टैन नाइनटी इनफाइनाइट होता है, टैन टू सेवेंटी टैन थ्री पाई बाय टू भी इनफाइनाइट होता है, टैन फाइव पाई बाय टू भी इनफाइनाइट होता है, वहां पर उसका ग्राफ नहीं है, टैन माइनस पाई बाय टू में भी ग्राफ नहीं है, मीन्स ऑड मल्टीपल ऑफ द जहां पर एन बिलोंग्स टू जेड है, ये कर्ली ब्रैकेट है बच्चों, तो ये जहां एन बिलोंग्स टू जेड है यहां पर इसका ग्राफ नहीं है बच्चों, इसलिए इसका डोमेन जो है आर माइनस टू एन प्लस पाई बाई टू, इसका रेंज, इसका रेंज कौन बोलेगा कितना वाई का यूज है, माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी, वाई का माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी यूज है, इसका रेंज जो है इसका आर होता है, ओके तो टैन एक्स का जो है डोमेन, टैन एक्स एक्स का डोमेन ये है और ये, अच्छा कौन बोलेगा ये ऑड फंक्शन ना इवन फंक्शन है, अगर ओरिजिन के साथ और ऑपोजिट क्वाड्रेंट के साथ ये सिमेट्रिक होता है इसे ऑड फंक्शन कहते हैं, और टैन माइनस एक्स माइनस टैन एक्स योर एफ एक्स है टैन एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स कीजिए, टैन माइनस थीटा कौन बोलेगा एस टी रूल पढ़े माइनस टैन थीटा दैट इज माइनस एफ एक्स, जो नहीं पढ़ रहे बच्चों ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाने बाद समझ में आएगा, इसको फिर से मैं उस टाइम में ग्राफ के बारे में टाइम में बोलूंगा, टैन एफ ऑफ माइनस एक्स डालोगे अगर ये माइनस एफ एक्स आता तो ये ऑड फंक्शन है, तो टैन एक्स एक तो ऑड फंक्शन है, ओके बच्चों टैन एक्स एक ऑड फंक्शन, ऑड इवन फंक्शन का यूज है 12th क्लास इंटीग्रेशन में, ओके तो टैन एक्स एक ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन वो सिमेट्रिक अबाउट ऑपोजिट क्वाड्रेंट में होता है, ओके अच्छा इसका हमारा बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, इसका जो पीरियोडिक पीरियोडिक आट पाई बोलते हैं, पाई रेडियन और पीरियोडिक आट 180 डिग्री मींस ये 180 डिग्री के बाद, हाँ जी बोलिए, अरे बोलो सर, एफ एक्स इक्वल टू टेन एक्स ऑड फंक्शन, हाँ ऑड फंक्शन है जो ऐसे एफ एक्स इक्वल एक ऑड फंक्शन है, ओके ये पढ़ोगे टैन माइनस थीटा माइनस टैन थीटा एस टी रूल पढ़ोगे ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाते टाइम में, ओके ये एक तो ऑड फंक्शन है, ओके और जो ऐसे ये को ऑपोजिट क्वाड्रेंट को अगर सिमेट्रिक जो करते हैं ऑड फंक्शन बोलते हैं, ओके पीरियोडिक आर टू पाई सॉरी पीरियोडिक आर पाई मीन्स ये जैसे ये है एक लेंथ है जो कि सेम थिंग रिपीट हुआ है, तो यहाँ पर देख लीजिए ये पाई के बाद ये जैसे जीरो से यहाँ से शुरू हुआ ये पाई के बाद सेम थिंग ऐसे शुरू हो रहा है ऊपर को, तो ये पीरियोडिक आर्ट पाई है 180 डिग्री में, ये पीरियोडिक है ये जैसा ऊपर को ये जाता है ये भी उसी तरह ऐसा गया है, तो पीरियोडिक आर्ट पाई है ये, ठीक है और टैन एक्स कहाँ कहाँ जीरो है, ये टैन एक्स कहाँ कहाँ जीरो, एक्स का कौन सा वैल्यू में ये जीरो है, एक्स इक्वल एन पाई जहाँ साइन जीरो है ये वहाँ जीरो है, ये तुम्हारा टैन 180 जीरो पाई टैन जीरो डिग्री जीरो, एन बिलोंग्स टू जेड, एन एक तो इंटीजर है, जीरो डालिए जीरो टैन जीरो जीरो टैन पाई जीरो टैन टू पाई जीरो टैन थ्री पाई जीरो टैन माइनस पाई जीरो टैन माइनस टू पाई जीरो, ये ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में पढ़ा जाएगा फिर से इसको, ये टैन एक्स का ग्राफ है, ओके का डोमेन और रेंज, डोमेन इसका इंपॉर्टेंट है, ओके इसका रेंज ये है, ठीक है नेक्स्ट बच्चे एफ एक्स इक्वल टू कॉट एक्स सेक एक्स पढ़ाते थे, जल्दी जल्दी पढ़ा देते हैं, ओके तुम लोग का क्लास है शायद बच्चे लोग क्लास है 4 बजे, यस सर, अच्छा यस सर, तो फिर और 3 मिनट बाकी है, क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास बोल देंगे कॉट एक्स सेक एक्स कोस एक्स डोमेन रेंज और उसका नेक्स्ट क्लास कल सुबह 7 बजे पढ़ा जाएगा, ठीक है।
तो ठीक है बच्चा, वो तो उसी की तरह होगा ना, सेम ही होगा। नहीं नहीं अलग आएगा, सेक एक्स ग्राफ अलग आएगा, कोसेक एक्स ग्राफ अलग आएगा, ओके कॉटेक्स ग्राफ अलग आएगा। कॉटेक्स का तो वो वही इंफिनिटी जैसा ही तो आएगा। हां देखो एपेक्स इक्वल टू कॉटेक्स तुम बोल सकते हो, एपेक्स इक्वल टू कॉटेक्स, एपेक्स इक्वल टू कॉटेक्स दैट इज कॉस एक्स बाय साइन एक्स। ओके तो इसका डोमेन जो है यहाँ पर साइन एक्स जो है वो जीरो नहीं होना है, साइन एक्स जो है जीरो नहीं होना है, ठीक है। तो साइन एक्स कहाँ जीरो होता है कि एन पाई में जीरो होता है, साइन पाई जीरो साइन, ओके तो एक्स एन पाई नहीं होना है, मीन्स का डोमेन क्या आएगा आर माइनस एन पाई, ओके इसका डोमेन क्या आएगा आर माइनस एन पाई आएगा, कॉट एक्स जो है, ओके कॉट एक्स जो है आर माइनस एन पाई, ओके ये डोमेन आएगा, मीन्स एक्स का वैल्यू पाई में सब जीरो हो जाता है तो ये डोमेन है। रेंज इसका माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी आएगा, रेंज है माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी दैट इज आर, आर आएगा इसका रियल नंबर आएगा कॉट एक्स। ओके इसी तरह टैन एक्स का भी इसी तरह कर सकते हो, टैन एक्स एफ एक्स इक्वल टू टैन एक्स जो है साइन एक्स बाई कॉस एक्स, साइन एक्स बाई कॉस एक्स, ओके ये थोड़ा ये है, फ्यूचर ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने के बाद ये पूरा क्लैरिटी आएगा। जो बच्चे ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने थोड़ा कंफ्यूजन है, जो ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने कॉस एक्स क्या होना है नॉट इक्वल जीरो है, कॉस एक्स कहाँ पर जीरो होता है कि ऑड मल्टीपल में कॉस एक्स, तो ये नहीं होना है, मीन्स इसका डोमेन जो है आर माइनस क्या होगा कहाँ पर जीरो होता है ये n belongs to क्या z integer, ये डोमेन है। इसका रेंज देखिए, इसका रेंज क्या आएगा रियल नंबर आएगा, ओके एक tan x का डोमेन है और ये डोमेन है और cot x का ये डोमेन, इसे ग्राफ करके हम बोलेंगे नेक्स्ट क्लास, ओके sec x भी बोल सकते हो, डोमेन बोल सकते हैं sec x 1 by cos x, पर cos x 0 नहीं होना है, 1 by 0 इनफाइनाइट होता है, cos x 0 नहीं होना है, cos x कहां 0 होता है 2n plus 1 pi by 2 में 0 होता है odd multiply में, means the cos x का जो डोमेन है sec x का जो डोमेन है r minus क्या होगा 2n plus 1 pi by 2। इसी तरह तुम sin x cosec x बोल सकते हो, रेंज उसका ग्राफ देख के बोलूंगा, ग्राफ के में तुम्हें समझाऊंगा, कोसेक एक्स का डोमेन बोल सकते हो, कोसेक एक्स जो है 1 बाय साइन एक्स होता है, साइन एक्स कहां पर जीरो होता है एन पाई में, तो कोसेक एक्स का डोमेन आर माइनस एन पाई आएगा, ठीक है। वो चार्ज इतना रहने दीजिए, नेक्स्ट क्लास पढ़ाएंगे, ओके हैव ए गुड डे। आज शाम को स्ट्रेट लाइन पढ़ा जा रहा है, शायद क्लास नहीं होगा टेस्ट होगा, हैव ए गुड डे बच्चों। सर टेस्ट किसका होगा? रिलेशन का, ठीक है। हाँ सर ठीक है, ठीक है, हाँ हैव ए गुड डे, थैंक यू सर, ठीक है बच्चों, थैंक यू सर, ठीक है बच्चों।